मोसासोरस जो समंदर की गहराई में देखने को मिलता है, इसे आसानी से टेम करना क्या ये मुमकिन है? लेकिन कैसे? हेलो फ्रेंड्स, आज का सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के सफ़र में हम मोसासोरस को टेम करने वाले हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। क्या ये मुमकिन है? हो सकता है, अगर आपके टीम डाइनो के ऊपर अंडर वाटर कोई भी क्रिएचर एग्रो ना हो तो ये मुमकिन है। जैसे कि यहाँ पर मैं टूसो के साथ आया हूँ मोसासोरस टीम करने के लिए, तो इस टाइम पर टूसो हो या मैगलाडोन हो, बेसिलोसोरस हो, मोसासोरस हो या हो डंकिलो, इन सभी के ऊपर अंडर वाटर क्रिएचर एग्रो होगा ही भाई। तो एग्रो होने के बाद हमको करना पड़ता है प्लेस को क्लियर, तो बहुत झंझटों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन ना हो के अगर हम इजीली कोई भी टेंशन ना लेके अगर हम मोसासोरस को टेम कर ले तो कैसा होगा, यही जानेंगे आज के इस सफ़र में दोस्तों। और मोसासोरस टेम करने के लिए मोसासोरस ढूंढना भी पड़ता है, तो बेस्ट लोकेशन कहाँ कहाँ पर है ये जानने वाले हैं आज के इस सफ़र में। और साथ में ये भी देख लो दोस्तों, आने के टाइम से ही कितना लफड़ा शुरू है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा आज के स्ट्रीमिंग सफ़र में। तो चलिए शुरू करते हैं लोकेशन से, कहाँ पर मिलता है। तो ढूंढने के बाद हमको करना पड़ता है थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा प्रिपरेशन, ताकि इसको हम आसानी से टीम कर सके भाई। आसानी से टीम करने के लिए इसको ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है, और ट्रैप करने के लिए आपको चाहिए वीमत स्टोन डायनासोर गेटवे, और साथ में चाहिए आपको वीमत रेनफोर्स गेट। तो ये है ट्रैप के लिए, और टीमिंग फूड के लिए आपको चाहिए ट्रापीजरा एक किबल, और साथ में सूथिंग बम होने से टेमिंग इफेक्ट होगा बहुत ही मस्त 100 out of 100। और साथ में चाहिए आपको नार्कोटिक या बायोटॉक्सिन, ताकि इसका टॉर्पर बनाए रखने के लिए। और अंडर वाटर जा रहे हैं तो स्कूबा टैंक, स्कूबा फ्लिपर, जो भी आपका स्कूबा मतलब पानी के नीचे जो चाहिए आपका आर्मर मतलब स्कूबा सेट अगर आपके पास है तो भाई पहन लेना बहुत ज़रूरी है।
और साथ में एक्स्ट्रा एक रखना भी ज़रूरी है भाई, के सिंपल प्रोसेस में दिखाऊंगा, फिर भी एक बैकअप रखने के लिए अगर किसी कारणवश पहला वाला टूटने पर हम दूसरा वाला पहन सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपका आर्मर कोई भी ड्रेस हो, आप चाहो तो इस तरीके से कलर आप कर सकते हो। ओ भाई क्या मस्त कलर है, तो आप इस तरीके से आप कलर करके भी आप अपना आर्मर पहन सकते हो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो भाई क्या कलर है भाई, ऑरेंज कलर। तो टोटल प्लानिंग हो गया है, प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, और अभी टाइम है अंडर वाटर जाना और मोसासॉरस को आसान तरीका अपनाते हुए टेम करना बिना किसी परेशानी के। तो चलो बंधु, देखते हैं आसान सा तरीका है कौन सा। और अगर अंडर वाटर आपको होता है टेंशन, तो कुछ कंज्यूमेबल आप अपने साथ रख सकते हो, इससे आप बहुत ताकतवर आपको महसूस कर सकोगे। लजरस चाउडर, पानी के अंदर ऑक्सीजन की खपत की दर में वृद्धि, प्रभाव 15 मिनट तक मिलेगा। फोकल चिल्ली, जो पौष्टिक ऊर्जा से भरपूर है, इसका भी प्रभाव 15 मिनट तक, और साथ में ले सकते हो। एंड्रियस टू, ये हार्दिक व्यंजन भोजन के रूप में ये कसरत की तरह है, प्रभाव 15 मिनट तक। टेंशन होने पर आप ये कंज्यूमेबल अपने साथ रख सकते हो और बहुत ही फायदेमंद है ये कंज्यूमेबल, पानी के नीचे बहुत ही ताकतवर बना देता है आपको। तो यहाँ पर आप देखो मोसासॉर मिल चुका है मुझे भाई 300 लेवल का। तो अभी करना है इसको टेम बहुत ही आसान सिंपल तरीका अपनाते हुए, और कोई भी मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि हम इचिथियोसॉरस के साथ मिलकर इसे करने वाले हैं टेम। और इचिथियोसॉरस के ऊपर अंडर वाटर कोई भी डाइनो एग्रो नहीं होता है, और इचिथियोसॉरस आप बहुत पहले ही टेम कर सकते हो, आपके गेम के पहले पहले ही आप टीम कर सकते हो। बहुत ही फायदेमंद क्रिएचर है आपका इचिथियोसॉरस। यहाँ पर मैं आपके साथ लोकेशन थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ, और फिलहाल अभी मैं रेड ओब्लिक के साइट पर हूँ, और यहाँ पर मुझे 300 मिल चुका है। तो अभी ट्रैप लगाना है और इसको आसानी से टीम करना है। इसके लिए करना क्या है, पहले तो हमको ट्रैप के लिए बेस्ट प्लेस चाहिए जहाँ पर अंडर वाटर कोई भी क्रिएचर ना हो। तो ऐसा प्लेसेस बहुत सारा है अंडर वाटर, आपको ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसा प्लेसेस है जहाँ पर आपको अंडर वाटर कोई भी क्रिएचर नहीं मिलेगा और आप आसानी से टेमिंग कर सकोगे। तो आप सोच रहे हो कि अगर ऐसा प्लेसेस मिल चुका है, कोई भी क्रिएचर नहीं है, तो मोसासॉरस को कैसे हम वहाँ पर ट्रैप करें। तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, मोसासॉरस को एग्रो करा के किस तरीके से आप ट्रैप कर सकते हो भाई बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्राई करने वाला हूँ ये बीमत स्टोन डायनासोर गेटवे, और मैं यहाँ पर 5 गेटवे लाया हूँ, तो 5 या 4 से मैं ट्रैप बना लूँगा, और साथ में 2 रेनफोर्स डायनासोर गेट लगाना है सामने और पीछे की तरफ। और आपको आपके इचिथियोसॉरस के ऊपर से भाई उतरना नहीं पड़ेगा, आप इसके ऊपर बैठकर भी आसानी से आप ट्रैप लगा सकते हो। तो ये प्लेस अच्छा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएचर अंडर वाटर क्रिएचर मुझे देखने को मिल रहा है, तो मैं अच्छा सा प्लेस, हाँ भाई ये प्लेस बहुत ही मस्त है, यहाँ पर अंडर वाटर क्रिएचर ज़्यादातर नहीं रहता है भाई, ये देखो एकदम टोटल खाली है। तो यहाँ पर मैं ये ट्रैप लगाऊँगा, तो ट्रैप लगाने के लिए हमको उतरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला भाई बिना किसी परेशानी के। तो यही देखना बाकी है कि बिना किसी परेशानी के क्या मैं आज मोसासॉरस को टेम कर पाता हूँ। तो इससे पहले ट्रैप, तो ये देखो भाई मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, इस तरीके से आपको लगा लेना है। मेरा 3 हो चुका है और एक रुक जा भाई, तो आप देखो मैं दिखाता हूँ फिर से ये। अरे भाई थोड़ा सा सामने जाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, अभी पीछे जाना पड़ेगा अभी के लिए ठीक है। और इस ट्रैप को लगाने के लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि यही सिग्नल देगा डिस्टेंस होने पर, ये देखो डिस्टेंस ना होने पर ऐसा होता है, हाँ डिस्टेंस अगर करेक्ट हो जाए तो ये सीधा रहता है, वरना टेढ़ा हो जाता है। तो ये देखो ये अपने आप सिग्नल देगा, यहाँ पर लगाना है और गैपिंग भी बहुत ही करेक्ट होगा, और इसके अंदर मोसासॉर तो भाई आसानी से बाय ट्रैप हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ बंधु, दिखाता हूँ।
तो इसको एग्रो भी कैसे कराना है वो भी मैं दिखाऊंगा। मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं भाई, सिंपल प्रोसेस, सिंपल तरीका अपनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं ये गेट सामने की तरफ और एक गेट पीछे की तरफ लगा दूंगा। साथ में यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि आप तक जो मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, यहाँ पर अंडर वाटर कोई भी क्रिएचर नहीं है और ऐसा प्लेसेस भर भर के है भाई पानी के नीचे। तो चलो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से ट्रैप होगा। ये देखो भाई, इस तरीके से आप ट्रैप करके मोसासोरस को अंदर बुला सकते हो। और अगर साथ में आपका मोसासोरस के पास अगर आपको अंडर वाटर केप मिल जाए तो केप पर भी किस तरीके से आप ट्रैप लगा सकते हो, चलिए देखते हैं। तो केप पर ट्रैप लगाने के लिए आपको पहले केप ढूंढना पड़ेगा। ये अंडर वाटर केप है और मोसासोरस तो भाई मैंने ट्रैप कर लिया है। ये देखो इसका पूंछ कितना बड़ा है भाई। तो ये केव वाला ट्रिक है, केव के बाहर आप किस तरीके से ट्रैप कर सकते हो मोसासोरस को, ये देख लो भाई। मैं नीचे जा रहा हूँ और ऐसा सिचुएशन में आप केव के साथ अटैच कर देना है आपका ट्रैप को। और देखो मोसासोरस ये रहेगा और आप आसानी से केव के अंदर रहकर मोसासोरस को भाई कर सकते हो टेम। तो ये इस प्रोसेस में भी कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एग्रो करा के इस ट्रैप पर डालना है। तो एग्रो कैसे करें भाई, एग्रो मैं दिखाता हूँ भाई। मैगलाडन सफर में भी मैं दिखाया था और आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। मैगलाडन सफर मेरा बहुत ही मस्त था। और ये देखो भाई, ये केप के साथ मैंने अटैच कर दिया और ये लोकेशन देखो हरिवरी आइलैंड की साइड पर है, बहुत ही मस्त प्लेस है, यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से मोसासोरस को करना है एग्रो और करना है साथ में उस 300 लेवल मोसासोरस को टेम। चलो तो मैं फिर से पहुँच चुका हूँ और अभी 300 को मोसासोरस को करना है टेम और इसको कराना है एग्रो। और एग्रो कराने के लिए पानी के अंदर ओनली फॉर वेपन आप यूज़ करना क्रॉसबो, बहुत ही मस्त है क्रॉसबो और ये काम भी करता है पानी के अंदर। और कोई भी ट्रैंक लॉन्ग नेक राइफल या ट्रैंक डार्ट यहाँ पर काम नहीं करने वाला है। तो ये क्रॉसबो से मोसासोरस को एग्रो कराना है और इससे ही टेम करना है, नॉक करना है। और साथ में एक दो से ज़्यादा आप अपने पास क्रॉसबो रखना है और डिस्टेंस बनाए रखना है। एक डैमेज देने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो मोसासोरस को भाई थोड़ा सा खर्च पर गया है, कोई बात नहीं। हाँ, डिस्टेंस बनाए रखते हो तो आपका अंडर वाटर कोई भी क्रिएचर आपका पीछे पीछे आएगा ही आएगा। ये देखो भाई आ रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करते हो तो ये आएगा और एग्रो भी बना रहता है। ओ भाई आ रहा है मेरा 300 लेवल वाला मसा। ओ भाई ये अंदर फंस चुका है और अभी टाइम है इसको टेम करना। पहले दरवाज़ा बंद कर लो भाई। हाँ, दरवाज़ा बंद करने के बाद अभी देखो मैं अब तक नहीं उतरा हूँ। ये सिंपल प्रोसेस यही है, आप देखो अच्छे तरीके से तो आप समझ सकते हो। तो अभी इसको मेरा इच्छितोरस के ऊपर बैठकर ही मैं इसे नॉक करने वाला हूँ और थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, कोई बात नहीं भाई। इतना हाई लेवल मोसासोरस को टेम करना है तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला ही है, तो कुछ कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कट करूँगा क्योंकि भाई बहुत टाइम लगने वाला है, तो कट करके दिखाऊँगा। तो थोड़े टाइम के बाद अभी इसका चेक करना है कि इसका टॉर्पर कितना भाई चढ़ चुका है। और इसके लिए आप अपने इच्छितोरस के ऊपर से उतरना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेक करो कि भाई अंडर वाटर कोई क्रिएचर है या नहीं, नहीं है। तो उतर के आप अपने स्पाई ग्लास से आसानी से देख सकते हो कितना टॉर्पर चढ़ा हो। ओ भाई आधा हो चुका है और अभी आधा बाकी है इतना टाइम देने के बाद। तो थोड़ा सा फिर से कट करने के बाद मिलते हैं और देखते हैं। तो थोड़े देर के बाद भाई अंदर, ओ भाई ये क्या क्या भाई इतना दूर से भाई पूछ से भाई क्या डैमेज देता है। और अंधेरा भी हो चुका है तो यहाँ पर शटर स्टिक आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। शटर स्टिक यूज़ करने से वाओ देखो भाई कितना ब्राइट हो चुका है। तो अभी बहुत टाइम हो चुका है और फिर से मैं इस चेक करने वाला हूँ इसका टॉर्पर कितना चढ़ा है और अभी कितना
टाइम लगने वाला है। ओ भाई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो जल्दी जल्दी से मैं इसको नॉक करता हूँ। हो जा भाई, हो जा मौसा, हो जा। तो ऐसा सिचुएशन में आप अपना क्रॉसबो भाई साथ में, ये देखो भाई मेरा एक क्रॉसबो टूट चुका है, तो अभी दूसरा वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दो तीन क्रॉसबो साथ में लेके आना है। और अभी वो फाइनली हो चुका है, और अभी देना है इसको टेमिंग फूड। और टेमिंग फूड के लिए मैं यहाँ पर सूथिंग बाम के साथ दे रहा हूँ क्वार्जल एक किबल। तो जल्दी से इसको फीड करना है एक सूथिंग बाम। सूथिंग बाम देने के बाद देना है इसको क्वार्जल एक किबल। तो जल्दी से, और यहाँ पर आप नॉर्मली मिर्च से भी टेम कर सकते हो, प्राइम मिर्च से भी टेम कर सकते हो। अगर आपके पास कीबल नहीं है तो आप नॉर्मली मिर्च से भी टेम कर सकते हो, प्राइम मिर्च से भी टेम कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है, बस टाइम का मैटर है, लेकिन टेम होगा, आपका मौसा टेम होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, देखूँगा कितने परसेंट से हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट, अभी कुछ काम नहीं है भाई, टेंशन तो नहीं लिया अभी तक, और टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेरा इश्तिया सोरास बहुत ही काम का भाई है। और मौसा सोरास पर केवल 1 मिनट से ऊपर टाइम लगता है लेने में, आप ये ध्यान रखना, पर केवल लेने में 1 मिनट से ऊपर टाइम लग जाता है। तो ये 14%, तो थोड़ा सा कट करता हूँ। और मेरा मौसा सोरा भी होगा टेम, ये हो गया है भाई मेरा 11 मिनट से ऊपर लग चुका है। तो भाई कीबल ले लेता हूँ, तो 11-12 मिनट से आपका मोसासोर टेम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको मोसासोर को टेम करना है। और यहाँ पर ये मैंने टेक शटल पहना दिया है, क्या मस्त लग रहा है देखो। और टेक शटल कहाँ पर मिलता है अगर नहीं आपको पता, तो यहाँ पर आप देख लो, ये पॉपुलर में आ जाना है गेम के शॉप पर आने के बाद। पॉपुलर में आने के बाद ये देखो टेक शटल बैंडल, यहाँ पर 4 शटल मिलता है मैगलाडन से लेके तापीदारा, ये मौसासोरस, ये देखो भाई ये 4 शटल मिलता है। और इसको परचेस करने के लिए 160 एम्बर चाहिए आपको, तो मैंने यहाँ से ले लिया है। और वैसे तो आप यहाँ पर देखो भाई मौसास को टेम करने के बाद, ये देखो मेरे स्क्रीन पर थोड़ा सा रेड रेड दिखाई दे रहा है, मतलब इसका टोर पर अभी उतरा नहीं, तो थोड़ा सा वीक फील कर रहा है। तो आज के सफ़र में भाई इसको कोई भी टेंशन देना नहीं चाहूँगा। और यहाँ पर इसका मैं, ये हाई लेवल है तो इसका आप देख लो ये हेल्थ स्टेमिना, वो भाई क्या बात है, ये हाई लेवल टीम करने का यही फैसिलिटी है। और मोसासोरस का शेडल आपको मिल जाता है आपके इनकम्स पर लेवल 78 और लेवल 93 होने पर प्लेटफॉर्म शेडल मिलता है। तो दोस्तों आज के सफर में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट और एक धमाकेदार सफर के साथ। बाय दोस्तों।